विधायक बनाया, उनके उसमें समर्थकों ने आयोजन समिति बनाई है उनका सम्मान करने के लिए 25 साल पूरे होने पर। उसी में हम आए हैं सब अपने राजा भैया के समर्थकों से, राजा भैया के चाहने वालों से अपील करने के लिए कि भारी संख्या में पहुंचकर, उस दिन दल का स्थापना दिवस भी है तो भारी संख्या में पहुंचकर वहां राजा भैया और हम सबका हौसला अफजाई करें। इसी के तहत ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है जन हर जनपद में जाकर। कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन का बहुत मिल रहा है, तो हमें लगता है कि देखिए आज ही हमने कल सूचना दी और आज हम आए हैं यहाँ, तो जिस तरह से समर्थन आपको दिख ही रहा है, जो स्नेह प्यार लोगों को मिल रहा है उससे हमें लगता है कि लाखों कई लाख की भीड़ होगी। ये बताइए, पहले से ऑलरेडी इतनी पार्टियां हैं प्रदेश के अंदर, एक नई पार्टी बना करके क्या क्या? देखिए ऐसा है कि अगर हमें ऐसा लगा होता कि जो भी पार्टियां हैं वो सर्व जात को लेकर चलने का काम नहीं कर रही हैं, कहती तो हैं लेकिन सब जात को लेकर नहीं चलने के बाट की राजनीति करने का काम करें। ऐसे में जो हम लोगों ने सलाह ली लोगों से, 15 लाख लोगों ने राय दिया जिसमें 80% लोगों ने कहा कि राजा भैया को अपना दल बना के राजनीति करनी चाहिए, और हमें सबसे बड़ी बात है 25 साल का जो अनुभव है हमारा सब समाज को लेकर चलने का, प्रतापगढ़ में राजा भैया विधानसभा को, बगल विधानसभा हमको बाहर से एमएलसी ला के बनाया, बाहर से ला के एमएलसी बनाया, और जो विधायक होते हैं जो भी विधायक बनता है पहले अपने परिवार को स्टेब्लिश करता है, प्रमुख बनाना जिला पंचायत, लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों को बनाने का काम किया चाहे उस जात धर्म का रहा हो। तो जो प्रमाण पत्र प्रतापगढ़ ने राजा भैया को निर्दल रहने का दिया है उससे वही नीति को लेकर हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे। अपने दल को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? देखिए हम लोग आपसे हमने कहा कि हम पहली बात तो किसी दल के विपक्ष में नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी नीतियों को लेकर अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में हमें लगता है कि हम अपने समाज अपने पार्टी के नाम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कौन सी नीति है, ऐसे कौन से विचार हैं जो? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, घर में दो बच्चे। जीएसटी का मुद्दा जो है सरकार का गलत है? बिल्कुल गलत है, संवैधानिक गलत है, कानून गलत है। राजू जी के समय कानून बना था, उस समय हरिजन एक्ट में FIR होती थी, अभी भी FIR होती थी, उसके बाद CO रैंक का अधिकारी जांच करता था, फिर निचली अगर चार्जशीटेड हो जाता न्यायालय निचली अदालत कैंसिल करती थी, ऊपरी अदालत से बेल होती थी। ऐसे तो अपने आप में मजबूत था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, और कोई भी दलित इसकी मांग भी नहीं कर रहा था, आपने तो चंद लोगों के कहने पर आपने उसको कर दिया।